दोस्तों अभी फेस्टिवल्स की बहार आने वाली है, यानी कि एक त्योहार गया नहीं कि दूसरा त्योहार आ जाएगा, दूसरा गया नहीं कि तीसरा त्योहार आ जाएगा। यानी कि अभी अगस्त से लेकर के दिसंबर तक आप समझिए कि ये त्योहार जो है वो बैक टू बैक हमारी दरवाजे के ऊपर दस्तक देते रहेंगे और हमें ये कह के परेशान करते रहेंगे कि अरे तुम अपने स्किन का थोड़ा ख्याल रखो। और अगर आप मेरे जैसे हो जो अपने स्किन का भैया कितने भी दिन भर परे रहे, आज दिन भर मैं ऐसे ही थी, मैं पूरे दिन मैं मतलब इतना लो 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 साउंड कर रही थी, इतना लो फील कर रही थी, बट जहाँ फेस पैक लगाने का आया कि मैं फेस पैक लगा ली। तो अगर भाई अगर आप मेरे जैसे हो कि भैया कितने भी लो साउंड कर रहे हो, कितना भी दिस हो रहा हो दैट हो रहा हो, बट फेस पैक लगाने से नहीं छूटते हो, तब तो भाई दस्तक के ऊपर दस्तक कितना भी दे दे, एक बार ही नॉक में आप गेट खोल करके कह दोगे अरे आपका वेलकम करने के लिए मैं दिल से तैयार हूँ। लेकिन अगर आप मेरी बहन टाइप के हो, मेरी जो सिस्टर है छोटी, उसको भैया मतलब दुनिया के सारे पैक के बीच में आप बैठा दो, दुनिया के सारे वैरायटी ऑफ फेस पैक, वैरायटी ऑफ दिस डैट के बीच में बैठा दो, बट वो वैसे ही निकल के आ जाएगी। तो भैया अगर आप उस टाइप के हो जो कि यदा कदा आप लोग आप मेहरबान होते हो अपने स्किन के लिए, तो भाई अभी से संभल जाने का टाइम हो चुका है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि 10 लोग आपको नोटिस करें आपके स्किन को लेकर के कि भाई तुम्हारी स्किन बड़ी ग्लोइंग लग रही है, तुम्हारी स्किन बड़ी ब्राइट लग रही है, तुम्हारी स्किन बड़ी फ्लॉलेस लग रही है, कितनी इवेंट टोन दिख रही है तुम्हारी स्किन, तो अगर आप ये सुनना चाहते हो इस त्यौहार में, अभी गरबा डांडिया दीज डैट सब अभी शुरू होने वाले हैं ना, तो अगर चाहते हो कि 10 लोग आपको नोटिस करें तो आज का वीडियो, आज का फेस पैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ ये आपकी स्किन को हद से ज़्यादा ग्लोइंग बनाने वाला है, ब्राइट बनाने वाला है, फ्लॉलेस बनाने वाला है, और भाई इंस्टेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है कि भाई 10 दिन लगाऊंगा ना तब तुम्हारे स्किन के ऊपर असर दिखाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है। ये इंस्टेंट आपकी स्किन के ऊपर फर्क दिखाएगा, यानी कि ये ऐसा जादू की छड़ी है कि इस पैक को अगर आप अपने चेहरे के ऊपर लगाते हो, वॉश करते हो, वॉश करते ही आप ऐसे करने वाले हो, वाओ क्या मेरी स्किन लग रही है, ये वाव वाली जो है ना मोमेंट आपको देने वाला है। तो ये सुपर से भी ऊपर वाला पैक है, सुपर से भी ऊपर वाला वीडियो है, तो इसको देखना तो 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आई होप कि अच्छे होंगे, और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करें तो ऑल के ऊपर क्लिक करें, ऑल के ऊपर क्लिक करने के फायदे ये है कि मेरे शॉर्ट्स के भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, है ना। अगर आप मुझसे पहली बार जुड़े हो तो मैं आपको बता दूं मेरे चैनल के ऊपर चल रहा है गिव अवे, गिव अवे के सारे रूल और रेगुलेशन अगर आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाते हो चेक करते हो तो आपको सारे रूल और रेगुलेशन मिल जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है, आप भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप भी, हो सकता है आपका भी नाम नेक्स्ट गिव अवे में आ जाए, ठीक है। सो चैनल पे बने रहें क्योंकि गिव अवे यहाँ खत्म नहीं होने वाला है, गिव अवे अभी कंटिन्यू जो है वो चलते रहने वाला है न्यू ईयर तक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है आपको पोटैटो, यानी कि आलू। भाई देखिए मॉनसून सीजन है और चिपचिपाहट की परेशानी अभी 1-1.5 महीने रहने वाली है। मुझे लगता है कि अगस्त लास्ट तक जो है या सितंबर फर्स्ट वीक तक बारिश रहती है ना, तो अभी जो मॉनसून सीजन होता है इसमें चिपचिपाहट अजीब सा भारीपन चेहरे के ऊपर लगा रहता है, तो इस परेशानी से भी ये पैक आपको मुक्ति दिलाने वाला है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जैसे मैं बताई हूँ कि आपको लेना है पोटैटो, तो आप पोटैटो ले लेंगे यानी कि आलू ले लेंगे, पीलर के हेल्प से उसका ऊपर का छिलका आपको हटा लेना है, अच्छे से उस आलू को धो देना है। अब इसको आप या तो ग्राइंडर में ग्राइंड करें या फिर ग्रेटर में ग्रेट करें। अगर आप ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं तो सीधा अगर आप ग्राइंडर में ग्राइंड करोगे तो वो ग्राइंडर तो चलेगा नहीं, तो आप किस क्या डालें इसके अंदर, तो अगर आप रोज वाटर के साथ ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, और अगर आप ग्रेटर पे ग्रेट कर लेते हैं तो इजिली जूस निकल जाता है, बट ग्राइंडर में ग्राइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ तो चाहिए होता है। पोटैटो क्या करता है,
आपकी स्किन को वाइटन, आपकी स्किन को ब्राइटन, आपकी स्किन को लाइटन, आपकी स्किन को टाइटन करता है, साथ ही साथ डार्क स्पॉट, डलनेस, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, इन सब की परेशानी के ऊपर काम करता है। ये एक ऐसा पैक है जो फुल बॉडी में आप लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंडर आर्म्स थोड़े डार्क हैं, थोड़ा आपका विकनी एरिया डार्क है, तो आप उन सब के ऊपर भी लगा सकते हो इवन टोन करने के लिए। नेक की रंगत अगर थोड़ी कम हो गई है तो आप नेक के ऊपर भी इस पैक को लगा सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में फुल बॉडी में लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक आलू का जितना भी जूस निकलता है वो सारा आपको एक बाउल के अंदर निकाल लेना है और रख लेना है। ओके, अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है लेमन जूस। अब लेमन का नाम सुनते ही बहुत नहीं यार, स्किन को खराब कर देगा, दिस कर देगा, डैट कर देगा, कुछ नहीं करता। आप ब्लीच कराते हो, ब्लीच को खा सकते हो क्या? खाते हैं क्या ब्लीच को? फेशियल जो आप कराने जाते हो, ब्लीच कराते हो, ब्लीच को खा सकते हो? नहीं कर रहा, खा सकते हो, लेकिन उसको आप रिस्क लेते हो, आप अपने चेहरे के ऊपर लगाते हो। लेकिन लेमन तो हम लोग भैया कितना ज्यादा खाते हैं, तो जिस चीज को आप खा सकते हो वो आपकी स्किन को खराब कैसे करेगा? लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि लेमन सबको सूट नहीं करता है। बहुत के चेहरे के ऊपर लेमन जो है रिएक्ट कर जाता है, उनके चेहरे के ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के दाने आ जाते हैं। बहुत के स्किन के ऊपर अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो जलने की संभावना होती है, मतलब जल जाती है स्किन ना, थोड़ी सी जलने लगती है स्किन, तो ये परेशानी होती है। तो ये चीज होता है लेमन के साथ। अगर आपको ये सब परेशानी है तो आप लेमन स्किप कर दोगे, लेमन के जगह पे आप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ऑरेंज पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आया ना? बट अगर आपको लेमन सूट करता है तो मैं कहूंगी लेमन जूस का इस्तेमाल करें। नेचुरल ब्लीच होता है, आपकी स्किन को वाइटन, ब्राइटन, लाइटन करता है, डार्क स्पॉट, डलनेस, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, इन सब की परेशानी को टारगेट करता है। फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट और इवन टोन आपकी स्किन को बनाता है। तो आपको लेमन जूस लेना है, हाफ टू वन स्पून के करीब में लेमन जूस लेना है। ऑरेंज जूस लेते हो तो आराम से 2 चम्मच के करीब में ले सकते हो, 2 स्पून के करीब में। ऑरेंज पाउडर लेते हो तो 1 स्पून ऑरेंज पाउडर आप ले सकते हो, ऑरेंज पील पाउडर। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है लिकोराइस पाउडर। लिकोराइस पाउडर की जहां बात आती है अपने आप में सब बात आ जाती है। लिकोराइस पाउडर जिसे यस्टी मधु कहते हैं, जिसे आप उलेठी पाउडर कहते हो, ये हमारे उसका जो मतलब बहुत तरीके से जो है इसको आप इस्तेमाल करते हो। लिकोराइस पाउडर आज से नहीं, सदियों से लिकोराइस पाउडर का इस्तेमाल होता है। मेरी दादी के लोगों के टाइम में ये पाउडर नहीं होता था, वो लोग स्टिक का इस्तेमाल करते थे। तो लिकोराइस पाउडर जो होता है ये बहुत पुराना इंग्रेडिएंट है, तो आँख बंद करके आप इसके ऊपर इस्तेमाल मतलब भरोसा कर सकते हो। बट ये चीज़ है कि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको सूट नहीं करते हैं। पैच टेस्ट करें पहले और उसके बाद ही अपने पूरे बॉडी के ऊपर या फिर फेस के ऊपर आप लगाएं। तो लिकोराइस पाउडर आपको ले लेना है 1 स्पून। ओके, अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है कॉफी पाउडर। आपकी स्किन के ऊपर कमाल का रिजल्ट देने वाला है। तो ये जो कॉफी है इसके अंदर होता है कैफीन, जो आपकी स्किन को वाइटन, ब्राइटन, लाइटन करता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फ्लॉलेस ग्लोइंग बनाता है। बेस्ट एंटी एजिंग माना गया है, जिससे आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स वगैरह नहीं आते हैं। तो कॉफी पाउडर भी आपको ले लेना है 1 स्पून। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो समझने वाली बात है। अगर आपको दही सूट करता है आप दही ऐड करेंगे, अगर आपको रोज मिल्क रोज वाटर सूट करता है आप रोज वाटर ऐड करोगे, अगर आपको रॉ मिल्क सूट करता है आप रॉ मिल्क ऐड करोगे, आपको सूट करता हो आप इसके अंदर ऐड करोगे। सबको करोगे जो अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद अपने क्या करना है, साफ सुथरे चेहरे के ऊपर, आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, आपके फेस के ऊपर कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, पूरे फेस और नेक के ऊपर आपको इसे लगाना है। 15 से 20 मिनट तक रखना है, और आफ्टर 20 मिनट्स आपको क्या करना है, हल्के हाथों से मसाज करते हुए फेस को वॉश कर लेना है। जहां फेस को वॉश करके आते हो आपको आपकी स्किन हद से ज्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और फ्लॉलेस लगती है, बहुत खूबसूरत आपको आपकी स्किन दिखती है। अब बात कर लेते हैं इसको लगाने की उम्र की। तो भाई देखिए, अगर आपकी उम्र हो गई 11 साल की तो आराम से इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार लेमन इस्तेमाल ना करें। बट अगर आपकी उम्र हो गई है 15 साल की तो 15 साल से लेकर के आज के डेट में आपकी चाहे जितनी भी उम्र हो, आप इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो हफ्ते में 3 बार, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स, एक्ने वगैरह रहते हैं तो लेमन को स्किप करें, क्योंकि आलू है तो इसको बना करके आप ना रखें, फ्रेश बनाएं, फ्रेश लगाएं, बस यही कहूंगी मैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए, वीडियो अच्छा लग गया हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया हो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।